हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नीटिंग ट्रेंड में। फ्रेंड, आज हम दो कलर में स्वेटर का डिज़ाइन सीखेंगे। ये डिज़ाइन आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर ऑल प्रोजेक्ट में डालिएगा तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप फंदा जो लीजिएगा तो 4 के मल्टीपल में फंदा लीजिएगा और एक फंदा आप एक्स्ट्रा लीजिएगा इसमें। तो आप बॉर्डर जैसा भी चाहिएगा बना, जेंट्स स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर में बदल बदल के लोग बॉर्डर बनाते हैं तो उस तरह से बॉर्डर बनाइएगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से सीधा साइड से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो डिजाइन शुरू करेंगे तो फ्रेंड, ये डिजाइन आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत आसान डिजाइन सीखेंगे आज हम लोग। तो ये सीधा साइड से देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जो भी कलर लगाना होगा आप यहाँ से लगाइएगा। एक फंदा हम इस कलर से बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3, ये 3 फंदा को हम स्लिप कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक फंदा जो है ये, इसको हम इस कलर से बुन लेंगे। तो यहाँ हम एक कलर से बुने हैं और 3 फंदा को हम स्लिप किए हैं। तो इसी 4 फंदा को हम आगे रिपीट करेंगे। देखिए एक सिलाई हम बना लिए हैं, अब हम उल्टा साइड से बना रहे हैं। तो उल्टा साइड से आप देखिए यहाँ पे जो फंदा को हम हरा वाला बनाए हुए हैं इसको स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा हम देखिए उल्टा साइड से हम उल्टा बुनेंगे इसी धागा से। ये 2 फंदा मेरा यहाँ पे हरा बन गया है, ठीक है। अब हम एक फंदा को स्लिप करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक जो है फंदा हरा वाला, उससे हम एक फंदा को 3 फंदा बनाएंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा लेंगे और एक फंदा ये बीच का हुआ, तो एक फंदा से हम 3 फंदा बनाए हैं। लास्ट में है तो एक फंदा हरा लिए थे तो यहाँ 2 फंदा बना है और बीच बीच में यहाँ 3 3 फंदा बनेगा। एक फंदा स्लिप करेंगे फिर हम 3 फंदा हरा वाला बनाएंगे। दो सिलाई हम बना लिए हैं। अब तीसरा सिलाई देखिए, ये डिजाइन का तीसरा सिलाई है। तो फर्स्ट वाले फंदा को हम स्लिप कर रहे हैं, दूसरा फंदा देखिए हरा से बुने हैं। अब जो फंदा को स्लिप किए हैं उसको भी हम इस कलर से सीधा बुन लेंगे। ये हम उल्टा सीधा साइड से हम पूरी सिलाई सीधा बुन लेंगे। ये सीधा साइड से सीधा बुन लिए हैं। ये डिजाइन का तीसरा सिलाई था। अब देखिए डिजाइन का चौथा सिलाई। तो चौथा सिलाई जो है उल्टा साइड से हम उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टा बुन लेंगे।
ये चार सिलाई बन गया है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, तो अब हम इस कलर से बनाएंगे, जो भी कलर बनाएंगे चार सिलाई बनाएंगे, ठीक है। तो इस फंदा से जब हम कलर यहाँ चेंज करेंगे, तो जैसे फर्स्ट में हम बनाए थे एक फंदा, वो एक फंदा बनाएंगे लेंगे, उसके बाद तीन फंदा को हम यहाँ से स्लिप कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बीच में एक फंदा को हम इस कलर से बनाएंगे, फिर तीन फंदा को स्लिप करेंगे। सेम पैटर्न, फर्स्ट वाला जो सिलाई था वही पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अब हम उल्टा साइड से बना रहे हैं, तो उल्टा साइड से इसको हम दो हुआ, एक फंदा ये है एक फंदा ये, दोनों एक कलर में हुआ। अब बीच वाले फंदा को स्लिप करेंगे, और पीला वाला यहाँ ऑरेंज वाला जो एक फंदा है उसको हम तीन फंदा बुनेंगे। अब हम सीधा साइड से इसको पूरी सिलाई हम इसी कलर से बुन लेंगे, जो स्लिप किए हैं उसको भी बुन लेंगे। उल्टा साइड से उल्टा बुनेंगे, उल्टा साइड से हम पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। तो ये डिजाइन फिर आप हरा लगाइएगा, तो आप यहाँ से लगाइएगा, फिर तीन फंदा को आप स्लिप कीजिएगा, और इस बीच से हरा वाला बनाइएगा, फिर तीन फंदा स्लिप कीजिएगा, हरा वाला बनाइएगा, लास्ट वाला भी हरा बनेगा। तो देखिए ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये आप बच्चों के स्वेटर में बनाइएगा या जेंट्स स्वेटर में बनाइए, कलर अलग रखिएगा, और कार्डिगन में बनाइए। बहुत प्यारा, बहुत आसान डिजाइन है। तो फ्रेंड ये डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए फिर एक कलर में काला और उसमें ऑरेंज में बनाए हुए हैं यहाँ पर हम, इसमें कलर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसे देखने में बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो ये डिजाइन आपको अच्छा लगा हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ।